नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरसा चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे और आपको सफलता दिलाने में स्टडी विद नीरसा चैनल अहम भूमिका निभाएगा। मेरे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी AGTA द्वारा जो फॉर्म ऑनलाइन फिलिंग की डेट दी गई थी वो समाप्त हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे अभी भी फ़ोन कर रहे हैं कि सर करेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो आपने पेट में भरा था वही फॉर्म में खुल के आ रहा है। कुछ चीज़ें करेक्शन हो जाएंगी मेरे बच्चों और कुछ चीज़ें करेक्शन नहीं होंगी। हाँ, जो चीज़ें करेक्शन नहीं होंगी, आप चिंता करने की आपको कोई बात नहीं है। ये आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मेरे बच्चों, तब वहाँ पर जो है सही हो जाएंगी, ऐसा आयोग ने जो है कहा है। ठीक, जो भी समस्याएं आएंगी आपको करेक्शन को लेकर के, सब आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सारी समस्याओं का निस्तारण जो है किया जाएगा। तो परेशान ना हो और आगे बढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो। समय नहीं है, ना समय बचा है आपके पास मेरे बच्चों। इतना ज़्यादा पढ़ना है, आपको पता है कि सिलेबस भी जो है इस बार एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आना है। तो मेहनत करते रहो और उसकी टेंशन आप छोड़ दो, चिंता छोड़ दो कि जो है करेक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा। आप परेशान ना हो। देखो, आज का जो वीडियो है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, वो आप देख लीजिए। AGTA के लिए यूपी ट्रिपल एससी से AGTA 346 पोस्टों के लिए आप लोग आवेदन कर चुके हैं और अब अंतिम पड़ाव, धीरे धीरे आपका अंतिम पड़ाव आने वाला है। जून में आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लियर डेट क्या होगी एग्जाम की। ठीक, अब करेक्शन लास्ट डेट मेरे बच्चों, आपको पता है कि AGTA फॉर्म में करेक्शन की लास्ट डेट आपकी 7 है। कितनी? 7 जून, ये आपको पता होना चाहिए। आप 7 जून तक AGTA में करेक्शन कर सकते हैं जो फॉर्म आपने डाला है। अच्छा, कितने बच्चों ने फॉर्म डाला है, कब तक होगा पेपर और एक सीट पर कितने होंगे दावेदार मेरे बच्चों, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब तक कितने बच्चों ने फॉर्म डाला है। AGTA की बात हम कर रहे हैं, AGTA की बात कि कितने बच्चों ने अब तक AGTA का फॉर्म फिल किया है और कब तक इसका पेपर होगा, एग्जाम डेट इसकी क्या होने वाली है मेरे बच्चों, क्या एग्जाम डेट, और एक सीट पर कितने दावेदार होंगे। मतलब टोटल जो 3446 आपकी पोस्टें हैं, इन पे कितने दावेदार होंगे, कितने दावेदार होंगे, मतलब दावेदारी एक सीट को आप नौकरी लेने के लिए, एक सीट लेने के लिए आपको कितने बच्चों को गिराना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे आपको जो है क्लियर करूंगा और जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं आप देख लेना, जब सारी चीजें खुलेंगी सेम ऐसे ही होंगी। मैं बच्चे जितना बताऊंगा सेम उसके आसपास ही बच्चे जो है फॉर्म भरेंगे, आप चाहे तो देख लेना। और जो नौकरी आपको करना है वो कैसे मिलेगी, वो सारी चीजें मैं आपको जो है बताऊंगा। ठीक, तो चलिए इन सारी चीजों पर मेरे बच्चों चर्चा करेंगे हम आगे चल के, सारी चीजों पर कि जो है कितने बच्चों ने फॉर्म डाला है, एक सीट पर कितने दावेदार हैं लोग। ठीक है, उसके पहले मेरे बच्चों मैं आपको एक चीज और बता दूं। ठीक है, कि AGTA रामबाण नोट्स मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चे मंगा चुके हैं स्पीड पोस्ट के द्वारा, अपने घर पर हार्ड कॉपी में मंगा रहे हैं। तो ये मेरे बच्चों जो अलग से 1000 क्वेश्चनों की जो है, अब मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, ये देख लीजिए, कृषि प्रसार रामबाण नोट सीधे परीक्षा में आएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, रामबाण नोट्स ये कंप्यूटर का है, ये सामान्य जानकारी का है, जैव तकनीक, पादप प्रजनन, पशुपालन, दुग्ध विज्ञान, ये सारे नोट्स हैं। देखिए, सारे नोट्स हैं। देखिए, ये एग्रोनॉमी का है, एग्रोनॉमी, जैव तकनीकी, मृदा जल प्रबंधन, कृषि प्रसार, अर्थव्यवस्था, और ये पशुपालन, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी, ये टोटल 8 सब्जेक्ट आपके जो है मेरे बच्चों एग्जाम में आना है। ठीक, मतलब जैसे मैंने कहा, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपकी मेरे बच्चों सामान्य जानकारी है। ठीक है, ये आपका मेरे बच्चों मृदा है, सारा अलग अलग है। ठीक है, ये कृषि अर्थव्यवस्था है मेरे बच्चों, ये कृषि अर्थव्यवस्था है।
ठीक है, ये आपका कृषि प्रसार है, ये आपका जैव तकनीकी पादप प्रजनन है, ठीक है, और एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी आपको पता बहुत ज़्यादा मोटा है एग्रोनॉमी, क्योंकि इससे 25 क्वेश्चन आना है, ये एग्रोनॉमी का आपका है, ठीक है, और ये पशुपालन का है आपका। ये टोटल 8 नोट्स हो गए, इन 8 नोट्स को आपको रटना है। अगर इससे कोई क्वेश्चन बचेगा, अगर इससे मेरे बच्चों आपको कोई क्वेश्चन बचेगा, ठीक है, उसका रामबाण और है, उसका रामबाण और इन 8 सब्जेक्ट के अलावा एक ये स्पेशल एग्रीकल्चर जिसमें 1000 क्वेश्चन है, जो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई एग्जामों में आए हैं, इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चनों का समावेश मेरे बच्चों इसमें किया गया है। ये आपको अलग से मिलेगी, ये तो आपके घर आएंगे, ये अलग से आएगी। इन सबको पढ़ने के बाद मेरे बच्चों आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, इतना आप जान लीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए, ये स्पेशल कृषि जो है रामबाण नोट्स जो है मृदा जल प्रबंधन का है, एग्रोनॉमी का है, अभी ये सारे रामबाण नोट्स हैं। देखो ये बनाए गए हैं सिलेक्शन वाले विद्यार्थी हैं, जो पिछले बार सिलेक्शन हुआ, ये बनाए गए हैं नोट्स उन लोगों के लिए मेरे बच्चों। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं, कम से कम 300 से 400 लोग जो है नोट्स का ऑर्डर कर चुके हैं। नोट्स इस समय चरम उत्कर्ष पे है, सारे लोगों को भेजा जा रहा है, और जिन लोगों का नोट्स नहीं पहुंच रहा है, आप वेट कर लेना, एक दो दिन आपका नोट्स पहुंचेगा जरूर, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, आपका सिलेक्शन होगा, आपकी फोटो इस जगह पे छपेगी, पक्का है 2024 में आपकी फोटो छपने वाली है, ठीक। तो उससे आप लोग निश्चिंत रहना, जो मैं 1000 क्वेश्चनों की सीरीज बता रहा था वो जो आपको फ्री मिलेगी मेरे बच्चों, इसके साथ ये है स्पेशल एग्रीकल्चर मेरे बच्चों। तो ये आप मान के चलिए, ठीक है, कि मेरे बच्चों इससे अच्छा जो है आपको नोट्स कहीं प्रोवाइड नहीं हो। कम समय में आपकी सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं मेरे बच्चों। अभी एक चीज और, हाँ, जिसको ये नोट्स की आवश्यकता है वो 95-599-40-590 पे आप कॉल कर सकते हो, 7379823368 पर आप इंक्वायरी कर सकते हो मेरे बच्चों। इसमें 4000 से लगभग 4500 क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। अब अच्छा, अब सपोज करिए आप AGTA बनना चाहते हैं, आप AGTA की तैयारी करना चाहते हैं, पहले मेरी बात सुनना, ठीक, आप AGTA की तैयारी करना चाहते हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक में बहुत ज्यादा मैटर होता है, बहुत लोगों की डिमांड पे 2 मंथ से इस नोट्स को बनाया जा रहा है। सपोज करिए आप AGTA की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कौन कौन सी बुकें होंगी, चलो मान लेते हैं जो बहुत ज्यादा लोगों के पास बुकें होती हैं, कांटवा, सुंडा, भाई बहुत ज्यादा आपके पास कांटवा होगी, सुंडा होगी, ठीक है। अच्छा, कांटवा में एग्रोनॉमी कितने क्वेश्चन होंगे, 250, सुंडा में कितने होंगे, 250, हम एग्रोनॉमी हम पर सब्जेक्ट टोटल कितने हुए, 500। जो हमारा एग्रोनॉमी का नोट्स है मेरे बच्चों, उसमें है 985 क्वेश्चन, सिर्फ एग्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसमें है 985 क्वेश्चन, और जो अलग से आपको 1000 क्वेश्चनों की बुक दी जाएगी उसमें मेरे बच्चों होंगे 300 क्वेश्चन एग्रोनॉमी की। अब टोटल देख लो, 9, 10, 11, 12, 1285 क्वेश्चन सिर्फ एग्रोनॉमी के, आना कितना है, 25। भाई कृषि प्रसार की से 5 क्वेश्चन आना है, 5 क्वेश्चन, और हमने दिए हैं 400 कृषि प्रसार की के, ये 5 क्वेश्चन कहां से आएंगे, ठीक है। तो अपनी अपनी चॉइस है, आप जैसा भी सोचो। चलो बात हम आगे बढ़ाते हैं, कितने बच्चों ने फॉर्म डाला है और एक सीट पर दावेदारी कितनी हो सकती है AGTA के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सीट पर कितनी दावेदारी हो सकती है ये भी हम जो है देख लेते हैं, ठीक। देखिए अब मैं आपको बता दूं, AGTA 3446 पदों के लिए मेरे बच्चों, 3446 पदों के लिए। देखो जो एक मेरा अनुमान है, जो पता लगाया गया है मेरे बच्चों, कि जो कुल बच्चे हैं AGTA के लिए,
कुल बच्चे जिन्होंने फॉर्म डाला है अच्छे प्रकार से, उनकी संख्या 39,000 के आसपास है। कितनी संख्या है? 39,000 के आसपास है, ठीक। और आपकी पोस्टें कितनी है? 3446। कितनी है? 3446। तो अगर इस हिसाब से अगर हम बात करें मेरे बच्चों, तो एक पोस्ट पर मेरे बच्चों लगभग लगभग 11 लोग जो है दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। कितने? 11 लोग दावेदारी जो है मेरे बच्चों प्रस्तुत कर रहे हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बता दूं, जो रियलिटी है, इस 39,000 में, इस 39,000 में मेरे बच्चों जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, हाँ, जो सीरियस बच्चे होंगे, सीरियस बच्चे होंगे, जो जिनको चिंता होगी नौकरी लेने की, जो बिल्कुल इस नौकरी को पकड़ना चाहते होंगे, मेहनत कर रहे होंगे रेगुलरली, डेली पढ़ रहे होंगे, उनकी संख्या आपकी 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकती है। मतलब जो आपका कंपटीशन है मेरे बच्चों, जो आपका कंपटीशन है वो 10,000 लोगों पर है। और अगर हम 10,000 लोगों पर जो 3446 पोस्टें हैं, तो मेरे बच्चों वो आ रहा 2.90। मतलब एक सीट पर मेरे बच्चों 3 लोगों की दावेदारी है। कंपटीशन बहुत कम है। जो 50% भी बच्चा पढ़ ले गया, मेहनत कर ले गया, उसकी जॉब मैं बता दूं 100% लगने वाली है, कोई उसे नहीं रोक सकता जो 50% मेहनत कर लेगा। ये अंतिम मौका है, ये लास्ट मौका है, इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, ठीक। और अगर इससे ज्यादा आप जानकारी लेना चाहते हैं तो 95-599-40-590 पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, 73-79-82-33-68 पे इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको अगर राम बाण नोट्स की आवश्यकता है मेरे बच्चों, बहुत सारे लोगों ने मंगाया है, तो आप इन पे इंक्वायरी कर सकते हैं। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें मेरे बच्चों, एग्जाम डेट, तो अभी मेरे बच्चों आपकी एग्जाम, आपका एग्जाम कब होगा, ये आपको जून में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जून में क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जाम डेट आपका कब होगा। हाँ, मैं आपको बता दूं, अभी 2 मंथ तो कुछ होगा नहीं, मतलब जुलाई अगस्त कुछ नहीं होगा, ये आपका सितंबर लास्ट में जा सकती है या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम डेट हो सकती है, इतना आप मान के चलिए, ठीक है। तो AZTE की नौकरी लेना बहुत आसान है मेरे बच्चों, ध्यान रखना मेरे बच्चों, AZTE 3446 पोस्टों के लिए जो कंपटीशन है मेरे बच्चों, आप देख लीजिए, 39,000 लोगों पर 3446 पोस्टों के लिए, एक पोस्ट के लिए 11 लोगों की दावेदारी है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो मेहनती बच्चे होते हैं, वो लगभग 10,000 की हम बात करते हैं, और 10,000 पे जो एक सीट पर दावेदारी बनती है 3446 पोस्टों के लिए, वो बनती है 3 लोग, मतलब एक सीट पर 3 लोगों की दावेदारी है। आप पढ़िए, मेहनत करिए, जिससे आपकी नौकरी लग सके मेरे बच्चों। रामबाण नोट्स के लिए आप कॉन्टेक्ट करिए, आपको आपके घर तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।